हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब कर दें चैनल को, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आज हम जानेंगे एमसीए की नोटिफिकेशन आ चुकी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने क्या क्या चेंज किया है, कैसे एग्जाम होगा और हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, पूरी जानकारी करेंगे, ठीक है ना। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एमसीए एंट्रेंस के लिए, ठीक है, सबसे पहले तो आपका ऑनलाइन फॉर्म होगा। मैं बता चुका हूँ कि ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है और जो उसका परफॉर्मा निकले उसको एनलब करके आपको एडमिनिस्ट्रेटर भेजना है आपको एएमयू में, ठीक है ना। तो आपको एएमयू भेजना है, सिंपली आपका ऊपर आ जाएगा, उसको लगा के भेज सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको सेंड भी करना है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहली चीज क्या है, फॉर्म भरने के बाद में उसको सेंड करना है। दूसरी चीज, इसकी टेस्ट डेट जो है वो 25 मई है। कब है? 25 मई है, 2019 में ही है, ठीक है। टाइमिंग, 2 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 3 to 5, क्लियर है ना। 25 मई को 2 घंटे का पेपर होगा, 3 to 5, क्लियर। एलिजिबिलिटी क्या है? अब एलिजिबिलिटी ही मेन पॉइंट है, पहले इसको जानेंगे कि हमें एलिजिबिलिटी क्या है इसकी। तो देखो, जो बीटेक बंदा है, जिसने बीटेक कर रखी है, वो एमसीए करना चाहता है तो नॉर्मली फॉर्म भर सकता है, लेकिन 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए उसके। जिसने बीआर कर रखा है, बीई कर रखी है विद 55%, इन सबको क्या है, 55%। लेकिन जो बैचलर डिग्री वाले हैं, बीसीए वाले, बीएससी वाले, ठीक है, बीकॉम वाले, जितने भी हैं उनको एक रूल फॉलो करना है। सबसे पहले क्या चीज़ है कि बैचलर डिग्री में क्या होना चाहिए आपका, 55% मार्क्स होने चाहिए, 55% तो मार्क्स होने चाहिए। और उसके बाद बैचलर डिग्री में ही मैथ्स तो मस्ट है, आपने मैथ्स पढ़ा होना चाहिए, चाहे एक सेमेस्टर ही पढ़ा हो, लेकिन क्या हो, आपके पास मैथ्स रहना चाहिए बैचलर डिग्री में, ठीक है। बीसीए बीएससी जितने भी बच्चे हैं उनके लिए क्या है, मैथ्स पढ़ा होना चाहिए। दूसरी चीज, अलोंग विद 2 सब्जेक्ट, देखो मैथ्स तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ 2 सब्जेक्ट, कोई भी 2 सब्जेक्ट, इन सब में से 2 सब्जेक्ट, कौन कौन से 2 सब्जेक्ट, या आपकी स्टैटिक्स होनी चाहिए आपके पास, मैथ्स भी रहा हो एक तो स्टैटिक, फिजिक्स रहे या फिर केमिस्ट्री रहे, मतलब 2 सब्जेक्ट होनी चाहिए इन सब में से, स्टैट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन रही हो आपके पास, कंप्यूटर मेंटेनेंस रहा हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रही हो एज अ मेन। अब इन सब सब्जेक्ट में 2 अलग कौन कौन से, या तो मेन सब्जेक्ट रहे हो या फिर आपने सब्सिडरी में भी पढ़े हो, अलग से जो सब्सिडरी सब्जेक्ट होते हैं ना वो भी पढ़े हो, तब भी आपका क्या रहेगा, वैलिड हो आप पढ़ने के लिए। तो समझ गए ना, बैचलर डिग्री होगी तो 55% मार्क्स होने चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, आपकी मैथ्स मस्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन में मस्ट मैथ्स होना चाहिए। दूसरी चीज क्या, आपका स्टैटिक्स हो अलग 2 सब्जेक्ट और मैथ्स के अलावा, क्या होना चाहिए, स्टैटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, कंप्यूटर मेंटेनेंस हो, इन सब में से कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। दूसरी चीज मेन पॉइंट क्या है, आपने 12th में अगर मैथ्स और फिजिक्स नहीं है आपके पास, 2 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट क्या नहीं होना चाहिए 12th में, प्लस 2 पर क्या नहीं है, अगर फिजिक्स और मैथ्स दोनों ही कंपलसरी हैं, होने ही चाहिए, ठीक है, तभी आप एएमयू का फॉर्म भर सकते हैं एमसीए के लिए, वरना नहीं भर सकते, क्लियर है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, अगर आप पर ये सब्जेक्ट नहीं है तो आप एमसीए का फॉर्म नहीं भर सकते हो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अब जिन जिनके पास ये चीज़ है, एलिजिबिलिटी है, आपकी मेन एलिजिबिलिटी होती है, अगर एलिजिबिलिटी है आपके पास तो आपको फिर फॉर्म देखना है कि एग्जाम पैटर्न क्या क्या है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न में क्या है, मैथ्स और स्टैटिक्स दोनों के मिलके क्वेश्चन आएंगे आपके 50 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें मैं बता ही चुका हूं डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको कर भी लोग, इनकी ट्रिक भी है तो आप इजीली कर सकते हो, मैंने वीडियो भी बना रखी है, ठीक है ना। और फिजिक्स में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के आपके 20 क्वेश्चन है। कंप्यूटर साइंस, अब कंप्यूटर के जो क्वेश्चन होंगे वो भी 20 होंगे, और 10 क्वेश्चन होंगे आपके लॉजिकल रीजनिंग के, जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं वो कितने होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, इसलिए टोटल 100 क्वेश्चन हैं। 100 क्वेश्चन के पेपर में क्या है, 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, और आपको 25 मई 2019 को फॉर्म पेपर देना है, ठीक है ना। और इसकी लास्ट डेट कब है फॉर्म की, ये भी जान लें आप, लास्ट डेट जो फॉर्म की है वो 6/3/2019 है, यानी मार्च में, 6 मार्च को आपको लास्ट डेट है, उससे पहले आपका पहुंच जाना चाहिए फॉर्म भरो। शायद सोच रहे हो आपके 5 या 6 मार्च को ही भर देंगे, उससे पहले आपका लास्ट 6 मार्च तक फॉर्म पहुंचना है, ठीक है ना। जो आप पोस्ट करोगे वो एएमयू में पहुंचना चाहिए। और टेस्ट जो फीस है इसकी, सभी के लिए, कोई एस सी एस टी नहीं, सब कुछ के लिए क्या है, 450 रुपये फीस है, फिक्स फीस है, इतनी आपको जमा करनी है। टेस्ट के लिए ऑनलाइन भर सकते हो इसको। दूसरी चीज, आपका जो टेस्ट सेंटर है वो अलीगढ़ में ही रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो पढ़ना है मैथ्स का, पूरा मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ,
किस पर आप मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं, चाहे कोई सी भी सब्जेक्ट हो आपका, आप डिटरमिनेंट पढ़ लो, पीएनसी पढ़ लो, जो जो मेन टॉपिक हैं वो मैंने करा दिए हैं, आप अच्छी तरह से वीडियो देख लें और आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और भी इन्फॉर्मेशन मैंने बीएचयू के लिए भी नोटिफिकेशन डाल दी है, नेक्स्ट आपकी यूपीएससी भी की आ रही है, तो आप 4-5 फॉर्म भर दें, ठीक है, निमसेट भी इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए आप फॉर्म भर दें और कर लें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स अगेन।